नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए समर्थन जुटाने का सिलसिला अंतिम दौर में है। महज दो प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सबसे मजबूत दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल में आकर प्रचार कर चुके हैं, तो दूसरे उम्मीदवार केरल से सांसद शशि थरूर अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में जब वे भोपाल आए तो अपना स्वागत देख अभिभूत हुए, लेकिन बड़े नेताओं का साथ नहीं मिलने पर उनकी पीड़ा भी सामने आ गई। अपने साथ हो रहे भेदभाव से थरूर इतना नाराज अब तक हो चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चुनाव अधिकारी हैं पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री, उनसे हस्तक्षेप की मांग कर डाली। तो क्या वाकई कांग्रेस में अध्यक्ष का चयन महज एक दिखावा है, खानापूर्ति है, रस्म अदायगी है? क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? क्या थरूर जो कह रहे हैं वो सही है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में इस वक्त गहमा गहमी का दौर जारी है। हो भी क्यों ना, पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए वोटिंग होने में महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशी अपने लिए समर्थन जुटाने राज्यवार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर भी भोपाल पहुंचे, जहां उनका स्वागत खड़गे के मुकाबले फीका ही रहा। बावजूद इसके थरूर ने कहा कि जैसा स्वागत भोपाल में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ, जबकि सच्चाई ये थी कि यहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलाकर 100 लोग भी नहीं जुटे थे। इतना जरूर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने उनसे चर्चा की। थरूर के साथ पूरे समय विधायक लक्ष्मण सिंह नजर आए, जो अपनी पार्टी के लिए की जाने वाली सख्त टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मजेदार बात ये कि भोपाल लोकल का एक भी कांग्रेस विधायक पीसीसी नहीं पहुंचा, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे में पीसीसी में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा था। कि कई प्रदेश में हम ये नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देख सका। मैं इसलिए मैं कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, उनके यहाँ के संगठन से मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस किस्म के स्वागत मुझे मिले ये बहुत करेक्ट था। जैसे कि जो निष्पक्षता दिखाना है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थरूर ने गुरुवार को दिल्ली में मीडिया से ये भी कहा था कि उनके प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं। वहीं खड़गे के कैंपेन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं। कुछ नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि कई कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए ये हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मिले खुशी से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है। हाँ, एक तो एक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क नहीं? थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के प्रचार करने पर भी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए कि कहां गलत हो रहा है, इस हिसाब से कार्रवाई भी की जाए। थरूर ने बड़े नेताओं पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। देखिए मुझे लगने में क्या फर्क होगा, ये चीफ इलेक्शन अथॉरिटी जो मिस्त्री साहब है, जो भी एक्शन लेना है उनकी तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका निर्देश तो काफी स्पष्ट है, लिखित दिए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कोई भी हमारे पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स है, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं लेकिन पीसीसी चीफ्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस, इन सब को ना किसी उम्मीदवार के साथ रहना चाहिए, ना किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करनी चाहिए। प्राइवेट मीटिंग्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिकली उनके रोल में हाईकमान, गांधी परिवार निष्पक्ष है और ये सब पब्लिकली निष्पक्ष रहने चाहिए। इधर अपने संबोधन में थरूर ने कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूँ, खड़गे नेतृत्व के नेता, खड़गे वैसा परिवर्तन नहीं ला पाएंगे जैसा मैं सोचता हूँ। पार्टी के बड़े फैसले लेने में कार्यकर्ताओं की राय ली जाए, ये सोच कांग्रेस पार्टी में नहीं है,
ये पार्टी की बहुत बड़ी कमी है। कार्यकर्ताओं की हमेशा शिकायत रहती है कि उनकी हाईकमान से कभी मुलाकात नहीं होती, ऐसे में उन्हें स्टेक होल्डर्स होने का एहसास भी नहीं होता। निश्चित तौर पर थरूर बेबाकी से अपनी पार्टी की कमियां उजागर कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनका अध्यक्ष बनना भी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन थरूर के इस कबूलनामे ने क्या कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में नहीं ला दिया? जब इतना वरिष्ठ नेता भेदभाव और उपेक्षा के आरोप लगाए तो इसे क्या समझा जाए? क्या बीजेपी ठीक कह रही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। चलिए तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से अमित तावरे जी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से ब्रजगोपाल लोया जी हैं, आपका बहुत स्वागत है ब्रजगोपाल जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट अमित जी आपसे ही, तो कांग्रेस ये दावा कर रही है इतने दिनों से कि पार्टी में लोकतंत्र है और सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अब ये जो आप ही की पार्टी के एक प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के, वो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत फेवर कर रहे हैं खड़गे का, खुलकर प्रचार कर रहे हैं और ये गलत परंपरा, गलत तरीका है। तो फिर हम कैसे माने कि भाई खड़गे जी आते हैं तो पूरा पीसीसी दफ्तर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भर जाता है, और थरूर साहब आते हैं तो 100 लोग मुश्किल से नहीं मिलते हैं? तो क्या भेदभाव आपकी पार्टी में नहीं हो रहा है आप ही की पार्टी के नेता के साथ? अमित जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है और आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है। इसको समझने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस के अलावा कभी आपने किसी पार्टी में सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हो रहा हो अध्यक्ष पद के लिए? बहुजन समाज पार्टी में हो रहा हो, आम आदमी पार्टी में हो रहा हो, समाजवादी पार्टी में हो रहा हो, किसी पार्टी में हो रहा हो? अरे आपके यहाँ अभी 22 साल बाद हो रहा है भाई। अरे हो तो रहा है, आप इससे तो पूछिए बाकी लोगों से, क्या इनके होता है? हमारे इधर इलेक्शन होता है और इनके सिलेक्शन होता है, तो इनसे पूछना चाहिए कि इनका लोकतंत्र आखिर कहाँ जिंदा है 22 साल बाद हो। खैर अभी ना तो मैंने बीजेपी का ना तो जिक्र किया, ना बीजेपी क्या कह रही वो बोला, अभी तो बात सिर्फ ये हो रही कि थरूर साहब जो बोल के गए उस पर तो पहले रखिए बात है या नहीं है। हाँ। तो मैंने बताया कि लोकतंत्र जिंदा था, लोकतंत्र हाँ। जिंदा है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अच्छा, और रही बात आपने थरूर साहब की, हाँ। थरूर साहब हमारे नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे नेता हैं, दोनों लोग जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये आप देखिए कि दोनों नेता, किसी का अलग क्षेत्र में बहुत अनुभव है, किसी का अलग क्षेत्र में बहुत अनुभव है, लेकिन दोनों प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि गांधी परिवार जो है वो निष्पक्ष है, चाहे हम थरूर साहब की बात करें या हम खड़गे साहब की बात करें। लेकिन ये फिर अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों अमित जी, कि खड़गे साहब आ रहे हैं तो इतनी भीड़ जुड़ जा रही है, हर नेता मंच पर है, और आज जब थरूर साहब आए तो केवल लक्ष्मण सिंह जी बैठे थे, राजकुमार पटेल जाते उनको रिसीव करने, मुश्किल से जो पूरे कार्यकर्ता नेता सब मिला ले जोड़ ले तो अभी 100 तक नहीं पहुंचे, तो ये वो अंतर नहीं हमको साफ समझ में आ रहा कि भाई खड़गे जी के सिर पर किसका हाथ है या थरूर जी क्यों अलग थलग पड़े हुए हैं? अमित जी, अब ये हाथ है या पैर है, अब ये तो अब आप अपने अनुसार जो भी अनुमान लगा ले, आप स्वतंत्र हैं अनुमान लगाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। यदि लोकतंत्र जिंदा है, जिसकी जिसमें आस्था है वो उनके पास जाता है। आज आप ये बात भी तो स्वीकार करिए कि जब थरूर साहब मध्य प्रदेश की धरती आए, प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस आए, तो उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद कहा। तो मैं तो मध्य प्रदेश की धरती पर बैठा हूँ, भोपाल में बैठा हूँ, तो मैं भोपाल की मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अब यदि दोनों प्रत्याशियों में से किसी को भी कोई भी शिकायत है तो उसके लिए हमारी जो है हाई कमेटी, उसके चेयरमैन है, वो बैठे हैं, वो देखेंगे, वो जो भी समस्या है उनकी सुनेंगे, जो भी शिकायत है। मैं आपसे जब आऊंगा दूसरी बार आपसे पूछने तो यही पूछूंगा कि क्या केवल रस्म अदायगी, खाना पूर्ति तो नहीं है ये अध्यक्ष का सिलेक्शन भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि भाई क्या होगा, क्यों अभी हो रहा है, या जो थरूर साहब कह रहे हैं वो जो बेबाकी से कह रहे हैं अपनी बातें कि भाई कम्युनिकेशन गैप हो गया था
और अध्यक्ष या यूं कहें कि जो कार्यकर्ता था, संवाद चाहता था स्टेक होल्डर, वो खुद को महसूस नहीं कर पा रहा था। आखिर क्यों थरूर साहब ने बात कही, इस पर मैं जवाब लूंगा। लेकिन ब्रजगोपाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और बीजेपी लगातार कह रही है ब्रजगोपाल जी की रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अमित जी कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ अभी कौन सा इलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन ही होता आया है, लेकिन हम तो फिर भी कम से कम मान मर्यादा में लोग चुनाव तो करवा रहे हैं, कम से कम अब जैसा हो रहा है वो सब सामने, और किसी पर थोपा नहीं जा सकता है कि थरूर साहब आए तो भी आपको आना है, खड़गे जी आए तो भी आपको आना, ये नहीं है, जिसकी इच्छा होगी आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे में बीजेपी क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है लोहिया जी? देखिए मैं दोनों बातें आपको बताऊं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो व्यवस्था बता रहे हैं। हम तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे सिलेक्शन करे चाहे इलेक्शन करे, मगर काम दोनों गांधी परिवार की मर्जी से होना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शशि थरूर जी आज भोपाल में कहकर गए हैं कि चाहे अध्यक्ष खड़गे जी बने चाहे मैं बनूं, मगर जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीमेसी है, वो तो गांधी परिवार की है, उसके बगैर तो। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, हम दोनों ही कोई भी काम कर ही नहीं सकता, असंभव है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको निवेदन करूं कि आपको मालूम है कि कौन कौन अध्यक्ष बन रहे थे? पहले अशोक गहलोत बन रहे थे, फिर दिग्विजय सिंह बन रहे थे, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बनने, और एक और शिकायत की है आज शशि थरूर जी ने जो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में मेरा वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसा खड़गे जी का स्वागत हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी चीजें हैं, आपको मालूम होगा कि पहली बार हो रहे इस चुनाव में कि इसको जो पहले सिलेक्शन किया गांधी परिवार ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, फिर उसको कहा कि अब इलेक्शन होगा, कि जिसको सिलेक्शन नहीं करेगा गांधी परिवार वो तो लड़ेगा ही नहीं। तीसरी जो सबसे खास बात है, कमिटमेंट की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो इस पर आधारित होगा कि विचारधारा से क्या, उनकी विचारधारा क्या है, पार्टी की विचारधारा के साथ है या नहीं है। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जिस पर परिवार की सहमति होगी, परिवार की निकटता होगी, विचारधारा की निकटता से कोई लेना देना नहीं, कार्यकर्ता की इच्छा से कोई लेना देना नहीं, और भारत के देश के प्रति क्या कमिटमेंट है इससे भी कोई लेना देना नहीं। केवल कमिटमेंट ये है, आज आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे बताते हैं तो मीडिया रिपोर्ट जो बता रही है उसमें कायमे आगे बता रहे हैं कि नहीं, वो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा वफादार हैं, वो चार बार मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिए गए, इसके बाद भी उन्होंने गांधी परिवार के प्रति अपना समर्पण रखा। तो ये जो स्थितियां हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये मानते भी हैं और ये पूरा देश 140 करोड़ लोग ये जानते भी हैं कि कोई भी अध्यक्ष बने, आखिर में इनको एक परिवार के साथ नीचे काम करना है, वो सुप्रीम पावर है। परंतु फिर भी यदि आप चुनाव कराने जा रहे थे तो बेहतर होता कि ये ना हो। एक बात और आपसे कहूं कि ये तय हुआ था कि कोई भी पद पर आसीन व्यक्ति चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेगा, परंतु आपको जानकारी होगी कि कल ही मनीष तिवारी जी का और अशोक गहलोत जी का बाकायदा वीडियो आया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये जो है ना, ये हमें जिसे जो है ना, ये कांग्रेस में जो नेहरू परिवार है, वो नेहरू परिवार खुद नहीं करेगा प्रचार, परंतु जो नेहरू परिवार के वफादार हैं, जिन्हें आप और हम जानते हैं कि वो नेहरू परिवार। मैं ठीक, मैं अमित जी से जल्दी से पूछता हूँ, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। प्रचार कर रहे हैं, क्या इस्तीफा दिया है अशोक गहलोत ने? अमित जी, तो ये कान इधर से नहीं पकड़ना, थोड़ा सा घुमा के पकड़ लेना, फिर ये आपको लगता है कि फेयर चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस में, वाकई लोकतंत्र है? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक कोई नूरा कुश्ती टाइप का चल रहा है सब मामला, अमित जी? देखो भैया, हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ हमारे मीडिया साथी, सबका नहीं बोलूंगा मैं, कुछ मीडिया साथी ये कहते थे सोनिया जी अध्यक्ष बन रही है वो हटेंगी, तो मतलब हमारा मन रखने के लिए, हमारा मुंह बंद करने के लिए आप चुनाव करा रहे? नहीं बड़े भाई, मेरी तो बात तो मैं बीच में टोकता नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो, इतना हक तो दो मुझे। पिता माता नहीं हटेंगी तो वो बेटा बन जाएगा, बेटा हटेगा तो वो बहन बन जाएगी। अब जब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बन रहा है तो भी बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अब मुझे तो यही नहीं पता अशोक गहलोत साहब ने कब कह दिया कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ। दिग्विजय सिंह साहब ने ये कहा था कि मैंने आज फॉर्म लिया है, हो सकता है कल मैं फॉर्म भरूं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतनी दिलचस्पी रहती है
कि हम जैसे प्रवक्ताओं को पता नहीं होता, लेकिन नहीं, थरूर साहब ने कल दिल्ली में और आज भी कहा कि गहलोत जी खुलकर प्रचार कर रहे हैं खड़गे जी का, बात ये है, ये तो आपकी अंदरूनी व्यवस्था ही है ना। लोया साहब ने ये कहा कि पहले गहलोत जी अध्यक्ष बन रहे थे, तो वो तो सबके सामने थी चीजें, क्या नहीं बन रहे थे क्या भाई राजस्थान में? क्यों विधायक, आप ही की पार्टी के विधायक कहने पर उतारू हो गए थे कि साहब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, बताइए क्यों बन गए थे ऐसे हालात? अगर ऐसा कुछ नहीं था तो भाई आपकी पार्टी के नेताओं के वर्जन ने बाइट है ऑनलाइन, तो इसलिए ये ना कहिए कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला था। जी आप जिनका नाम ले रहे हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप गहलोत साहब का या दिग्विजय सिंह जी का बता दो आप कि उन दोनों ने कहा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ, तो फिर इस्तीफा क्यों दे रहे थे आपकी पार्टी के 102 विधायक, ये बता दीजिए मुझे आप। इस्तीफा तो देखो आप, जब हमारी सरकार गिरी थी, अरे भाई सब सामने, अमित जी कहाँ, खैर वो तो पुरानी बात है, हम उस पर नहीं आ रहे, हम तो आपकी चुनावी प्रक्रिया पर आज बात कर रहे हैं। खैर राजेश जी का कमेंट हम ले लें, हाँ ठीक है राजेश जी का कमेंट लेते हैं। राजेश जी कैसे देखते हैं आप ये जो खड़गे साहब की शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मतलब MP में 100 लोग पहुंचे तो वो अभिभूत हो गए, सोचिए आप बाकी स्टेट में क्या हुआ हालत हो रही होगी, तो ये कैसा चुनाव है भाई? राजेश जी इतने इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़े लिखे, UN में सेवा देने वाले हैं, मतलब उनके साथ तो ये क्या मतलब फिर क्यों लड़ना चुनाव? या थरूर साहब की गलती क्यों नामांकन दाखिल करने पहुंचे? राजेश जी देखिए जी, जो खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया था, आपको ध्यान होगा कि मैं वही करूंगा जो गांधी फैमिली करेगी, और ऐसे का ऐसे ही स्टेटमेंट कहेगी, ऐसे ही स्टेटमेंट थरूर साहब ने भी दिया कि होगा वही जो गांधी परिवार चाहेगा, लेकिन ये गांधी परिवार भी जानता है और पूरी कांग्रेस जानती है, पूरा देश जानता है कि थरूर एक इंटेलेक्चुअल है, जबरदस्त इंटेलेक्चुअल आदमी है। वो जैसे प्रणब मुखर्जी वाली स्थिति बनी, वो तो बहुत काफी लेट उम्र में उनकी हुई, और ये बहुत जल्दी वो कर सकते हैं वो चीज, और एक बार अध्यक्ष बन गए फिर ये अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि वो कह ही रहे हैं परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन का मतलब ही ये है कि परिवर्तन उनके दिमाग का परिवर्तन जो उन्होंने सोच रखा है वो हमको और आपको नहीं मालूम है, नहीं कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि इस बात से ये कंफर्म हो गया कि कांग्रेस मींस गांधी फैमिली और गांधी फैमिली मींस कांग्रेस। आज जिसके साथ गांधी फैमिली है, जिसके ऊपर उनका हाथ है, हाथ मतलब वो परोक्ष रूप से है, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इतिहास रहा है, उनके हमेशा के बयान, पिछले 30-35 सालों के जो बयान है वो उस हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और मीडिया भी जैसा आपकी रिपोर्ट बताया गया कि मीडिया भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अगर कोई है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तीसरी बात ये है कि लक्ष्मण सिंह जी जैसे लीडर का साथ होना ये भी एक दर्शाता है कि बाकी लोग नहीं होंगे, क्योंकि एक कांग्रेस के अंदर की कुछ जो भी इश्यूज होंगे, लक्ष्मण सिंह जी अपनी बातों से अपने विपक्षी के लिए जाने जाते हैं, और वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, भाजपा में थे तब भी कह देते थे, और बीच में जब कुछ दिनों के लिए आए थे और कांग्रेस में रहते हैं तो करते ही रहते हैं बीच में। फिर एक और बात है कि आज अगर थरूर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नियमों को तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा दिख रही है और उनको उनकी हार भी अपनी साफ दिख रही है, और उनको समझ में आ रहा है कि अब मैं हारने वाला हूं बुरे तरीके से, और उनको ये समझ में आ रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उनको जीतने नहीं देंगे कांग्रेस के वो लोग जो नहीं चाहते कि वो कभी बने। एक बात और है कि आज थरूर का जो शशि थरूर ने जो अपना जो भी बयान दिया, उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो किसी भी पदाधिकारी को या किसी भी जो पद पे रहता हुआ है उसको नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर अपने अभी अमित तावरे जी का आपने जो वर्जन ले उनसे पूछ रहे थे तो उसके ऊपर उन्होंने नहीं बताया, उसके ऊपर उनको प्रकाश डालना चाहिए कि भाई क्या एक्शन होगा अशोक गहलोत जी के ऊपर, मनीष तिवारी के ऊपर, कि जब वो लोग सब नियमों को ताक पे रखते हुए उनके साथ में जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पर हाँ ये देखने में तो लोकतांत्रिक लग रहा है पर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं लग रहा है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि थरूर जो है बिल्कुल अलग तरह पड़ गए। तो क्या इसकी उम्मीद की होगी थरूर साहब ने? राजेश जी मतलब इतना सब जानते आए वो कि राजनीति क्या होती है, और क्या उनको इतना भी नहीं पता होगा कि भाई गांधी परिवार के करीब कौन है,
या इतने भोले हैं वो कि उतर गए मैदान में और अब वो अपनी शिकायतें कर रहे हैं राजेश जी? नहीं देखिए, उनको 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 ये अंदाजा था कि हो सकता है उनके साथ, जैसे G23 से उनको उम्मीद थी और उनको उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा कांग्रेस का, पर वो नहीं हो पाया किसी कारण से और साफ दिख रहा है। पर हाँ, वोटिंग के समय कुछ अप्रत्याशित कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, पर अभी जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि जो है उनकी हार सामने दिख रही है हम लोगों को, हमको और आपको सबको दिख रही है। बाकी ये है कि वो जो राजनीति के जानकार तो है, मजे के खिलाड़ी भी है, लेकिन हाँ शायद उनसे कहीं ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अमित जी देखिए वही बात है कि भाई अगर चुनाव हो रहे तो आचार संहिता जैसी भी कोई चीज़ होगी और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भाई ये फिर इस पूरी प्रक्रिया पर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, या दोनों ही आपके नेता कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार सुप्रीम, तो आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा होता है या गांधी परिवार का सदस्य? अमित जी, अमित जी का ऑडियो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। जी मेरा सवाल यही कि भाई एक तो यही कि चुनाव होता है तो आचार संहिता बनाई जाती है, आचार संहिता का अगर उल्लंघन हो रहा है तो कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो क्या कोई कार्रवाई की उम्मीद करें कि भाई एक पूरा बड़ा खेमा खड़गे जी के साथ और शशि थरूर अलग थलग, खैर वो भी अलग बात है, लेकिन आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है या फिर गांधी परिवार का सदस्य? देखिए, इसमें गांधी परिवार की तो कहीं कोई बात आई नहीं है। थरूर साहब भी बोल रहे हैं कि गांधी परिवार निष्पक्ष है, खड़गे साहब भी बोल रहे हैं गांधी परिवार निष्पक्ष है, और मधुसूदन मिस्त्री साहब भी बोल रहे हैं गांधी परिवार निष्पक्ष है। ठीक है, दूसरी बात, चुनाव लड़ने के पहले थरूर साहब भी सोनिया जी से मिले थे, खड़गे साहब भी सोनिया जी से मिले थे, तो सोनिया जी के लिए या गांधी परिवार के लिए तो दोनों समान है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया और हमारे जो लोग हैं वो अपना आकलन लगाते रहे, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ एक आम कार्यकर्ता होने के नाते कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ पे अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जहाँ पे दोनों प्रत्याशी अपने मन की बात को खुलकर रखते हैं। और रही बात शिकायत की, तो मधुसूदन मिस्त्री साहब हमारे चेयरमैन है, जो भी न्याय संगत होगा, जो भी बात होगी वो उस पटल पर होगी। चल तो लोया जी, भाई कहा अमित जी ने साफ गोई से स्वीकार किया कि आप ही लोग कहते थे, मीडिया कहती थी, बीजेपी कहती थी कि बस गांधी परिवार का ही कोई होगा अध्यक्ष, उन्हें देखिए इस बात को झुटला रहे हैं वो अब, है ना, कैसे भी। और आपके यहाँ कम से कम उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही जो कहते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन से होता है, क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी चुनावी प्रक्रिया होगी? नहीं, नहीं, देखिए चुनाव की तो एक निरंतर प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, वो 3 वर्ष का कार्यकाल है, उसके बाद चुनाव अवश्यम भावी, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 140 साल बाद चुनाव हो रहा है, जो AOUM की कांग्रेस थी उसका चुनाव हो रहा है, इसके बाद 1948 में हुआ था आपको ध्यान होगा JB कृपलानी का, इसके बाद उन्हें किस तरह इस्तीफा देना पड़ा था नेहरू के दबाव में, किस तरह बाबू जगजीवन राम जी को रखा गया और किस तरह सीताराम केसरी जी को हटाया गया था 1998, याद करिए कि जिनके कपड़े फाड़ दिए श्रीमती सोनिया गांधी के लिए, और 1998 में बनी श्रीमती सोनिया गांधी आज 2022 में उसकी कार्यवाहक अध्यक्ष है। ये सब दिखा रहा है कि कितनी पारदर्शिता है, कितना परिवार है, कितनी पार्टी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु जहां तक हमारा मानना है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि आज भी वह परिवार के बाहर पार्टी नहीं जा पा रही है, और परिवार में मतभेद होने का असर पार्टी के परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। अब ये जो खड़गे जी बनेंगे, ये सोनिया गांधी जी की कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे कि राहुल गांधी जी के बनेंगे या प्रियंका गांधी जी के बनेंगे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही है कि शशि थरूर जो है वो प्रियंका गांधी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परंतु जहां पार्टी में ही एकता नहीं है, जहां परिवार में भी आज एकता नहीं बची है, तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये सब भविष्य में तय होगा। और ये भी आप और हम सब देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस का अध्यक्ष परिवार के एक सदस्य के सामने। राजेश जी से एक छोटा सा कमेंट हम ले ले, राजेश जी चूंकि पार्टी का इलेक्शन इसलिए प्री पोल पर कोई वो नहीं है रोक, तो क्या कहेंगे मतलब कमेंट के, अगर खड़गे साहब जिनके सबसे ज्यादा चांस बनते हैं, क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा कांग्रेस में, जिस बदलाव की जिस परिवर्तन की चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, क्या वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि खड़गे जी अपनी जो स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, और जाने जाते हैं क्या है, वो तो खुलेआम कहते हैं। देखिए जैसे अभी किसी ने बताया कि 4 बार मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपनी वो निष्ठा नहीं छोड़ी। तो और वाकई इस मामले में जब भी देखा है, मैंने जितने भी जो मैटर्स हुए, जितने भी नेशनल लेवल पे मैटर्स हुए, उन्होंने हर बार गांधी परिवार के साथ ही खड़े रहे, और अब भी होगा वही जो सुप्रीम पावर चाहेगी। अध्यक्ष भले खड़गे जी बनेंगे, लेकिन काम उसी तरीके से होगा जैसे 10 साल यूपी की गवर्नमेंट में हुआ, वैसे ही होगा ऐसा लगता है। जो लेकिन ये है कि खड़गे जी का खुद का जो अपना अनुभव है, राजनीतिक अनुभव बहुत जबरदस्त है, अगर उन्होंने अपने अनुभव को भी मिलाया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा ही होगा। ठीक बात है, जो खासतौर पर जो गढ़ हुआ करते थे दक्षिण भारत, वहां कुछ बदलाव हो, कुछ चमत्कार, क्योंकि कर्नाटक जिस राज्य से आते हैं वहाँ कमल खिला और खिलता ही चला गया, तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी और चुनौती तो कर्नाटक होगी। क्या कर पाते हैं, देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। शुक्रिया लोया जी, और शुक्रिया राजेश जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो थरूर साहब की शिकायतें अलग हैं, उपेक्षा महसूस कर रहे हैं वो, लेकिन तो उनको पता होना चाहिए था भाई कि कांग्रेस में चुनाव कैसे लड़ना है। और ठीक है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि खड़गे जी दशकों पुराने नेता हैं, और ऐसे में अब देखना है कि क्या ये शिकायतें दूर हो पाती हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं, कुछ अलग जगह उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है नहीं मिलता, और वोटिंग जब होती है तो फिर नतीजे जो आएंगे अंदाज़ा सबको है, बाकी कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए DNA News। नमस्कार।